हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। आज मैं आप सबके साथ मिर्च करौंदे के अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, या फिर आप इसे सब्जी भी कह सकते हैं मिर्च करौंदे की। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट है, सिर्फ छोटी सी 2 मिनट की रेसिपी है। इसे आप जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके लिए मैंने करौंदा लिया है लगभग 250 ग्राम। इन्हें मैंने बीज से कट कर लिया है। इनके बीज निकालने की जरूरत नहीं होती, बस आप इन्हें वॉश करके और फिर कट कर लें। इसके साथ मैंने लिया है लगभग 200 ग्राम ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने मोटी वाली ली है, ये ज्यादा तीखी नहीं होती। इन्हें भी आप सिंपली कट करके रख लें। और मसालों में मैंने लिया है ऑयल मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हींग थोड़ी सी, कलौंजी यानी निगेला सीड्स, मेथी दाना 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, हरी सौंफ मसाले वाली 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक। तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले असाफोटिडा यानी हींग, कलौंजी, मेथी दाना, अजवाइन और सौंफ, ये सारी चीजें हम तड़के में डाल लेते हैं। जब ये मसाले अच्छे से तड़कने लगे, स्प्रेडर होने लगे, तो फिर हम करौंदा और मिर्च ऐड करेंगे। तड़के के बाद करौंदा और मिर्च ऐड कर लिया है, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट अच्छे से मिक्स करें। फ्लेम को थोड़ी देर के लिए स्लो कर देते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे करौंदा और मिर्च अच्छे से गल जाए। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर हमारा करौंदा और मिर्च भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा करके किसी जार में इसको डाल के फ्रिज में रख देंगे, तो ये कम से कम 20 से 25 दिन या महीना भर भी चल सकता है। इसे आप पूड़ी, पराठे या फिर दाल चावल के साथ सर्व